जी नाजरीन, आज हम रोशनवाला थाना में मौजूद हैं। पिछले दिन नेशनल न्यूज़ रामा ने जो खबर ब्रेक की। सेल साहब, ताड़ी बेटी दी किन्नी उम्र सी? 10 साल 2 माह। उसकी नई अपडेट के लिए मुतलका एसएचओ साहब से जानते हैं। ये तो मार्च को उनका बयान स्टेटमेंट कलमा करवाई थी 164 के तहत अपने इलाका के सेक्टर साहब के पास। देन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो चली गई बच्ची दारुल उमान में। दारुल उमान से वो 2 तारीख को चले जाती है खुद मुख्तार इलाका कंसर्निंग जो मजिस्ट्रेट साहब है उनके ऑर्डर से। वहां से जाकर हमने जब ये दोबारा ये मामला पुट अप हुआ कि बच्ची घर नहीं पहुंची तो दोबारा जाकर हमने वहां से ऑर्डर निकलवाए। ऑर्डर निकलवाने के बाद देखा कि वो हैंडओवर हुई है सैयद शफकत हुसैन शाह के। तो फिर उसको रेस किया हमने, शाह साहब से फिर बात की तो उन्होंने कहा जी वो लड़की उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक 9 मुस्लिम जो लड़का है दूसरा इरफान जो हमारे पास FIR दर्ज हुई थी उसी का वो नाम मुजम भी था उसके साथ उसने शादी कर ली। शाह साहब से बात की गई, बात करने के बाद वो टेबल टॉक किया गया और फिर वो लड़की पंद्रह पर लेकर आए हम। जब वो लड़की सामने आई है बच्ची तो उसने कहा कि जी मेरी उम्र जो है वो मेरी उम्र 10 साल नहीं, मैं बालिग हूँ और मैंने अपनी आजाद रजामंदी से मतलब इस्लाम कबूल किया है, इरफान ने भी कबूल किया है इस्लाम को और हम दोनों ने अकॉर्डिंग टू शरीयत हमने ये निकाह किया है। अभी मैं घर नहीं जाना चाहती किसी वजह से, तो उसकी आजाद रजामंदी को मौजूदे साथ रखते हुए उसकी डिमांड पर उसकी रिक्वेस्ट पर बच्ची को दोबारा फिर हमने थ्रू प्रॉपर चैनल दोबारा दारुल उमान भिजवा दिया गया है। अब जैसा आजाद मुद्दा के 199 के तहत आज के पास आजाद राइट्स हैं, मुकम्मल राइट्स रखते हैं तो जिधर वो जाना चाहे चली जाएगी इंशाल्लाह। जो डॉक्यूमेंट्री लिहाज से तो उसकी उम्र वही बनती है जो 10 साल बनती है, लेकिन फिजिक के लिहाज से माशाल्लाह वो बच्ची जैसे होता है तो बरसगीर में वैसे भी बच्चियां जो है मेडिकली जल्दी जवान हो जाती हैं, ये तो मरबूत का गर्म मरबूत का इलाका है। तो दूसरा जो जनाब फरमा रहे हैं तो उसकी एज फैक्टर जो है वो अदालत डिटरमिन करवा लेगी मेडिकल लिहाज से, वो जो आसान तरीका है कि आया कि वो बालिग है या नहीं है। नाज़रीन, आज हम हरी सिंह में मौजूद हैं और मुतलका थाना में जो हमारे साथ आज हमारे साथ डॉक्टर सलाम साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जानेंगे और मज़ीद नई अपडेट्स क्या है। जी डॉक्टर साहब, आप इस केस के मुताबिक जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो हम आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं कि इसकी विरासत से पूरी कौम जो देख रही है जो हमारे पास केस है ये कम उम्र का जो केस सामने आया है और इसके बारे में हम शुरुआत से इब्तदाई से इस केस को डील कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने फैक्ट्स देखे हैं तो इसमें जो रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 10 साल 2 माह और जो एज है वो बनती है, लेकिन उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए पुलिस के कहने के मुताबिक कि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा है बालिग है। लेकिन जो अभी हमारी थाने के साथ बात हुई पुलिस ने बताया कि ये कचहरी का मसला है, वो कोर्ट इसका फैसला करेगी कि इसकी उम्र क्या है। तो जहाँ तक हमारा मसला है हमने बच्ची को बरामद किया है, बच्ची की जो ख्वाहिश थी हमने उसकी राय को मद्देनजर रखते हुए उसे दारुल उमान प्रॉपर कानून के मुताबिक भेज दिया है। तो अब नाज़रीन के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है और कौम में बहुत ज़्यादा दुख पाया जा रहा था और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं पूरी टीम के जिन्होंने शाना बशाना हमारे साथ मिलकर काम किया और हम नहायत शुक्रगुजार हैं नायब सदर हैं नदीम गिल साहब जो जिन्होंने शाना बशाना हमारे साथ चले हैं, नहायत शुक्रगुजार हैं सलमान यूनुस साहब के और जितने भी हमारी टीम के मेम्बरान हैं। हमने दिन रात एक करके ग्राउंड का शुक्र है कि बच्ची को हमने बरामद करवाया। पुलिस जहाँ तक SHO इमरान साहब हैं इन्होंने की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है और इन्होंने 1 दिन का 2 दिन का वादा किया था अपने वादे को इन्होंने पूरा किया है और पुलिस ने अपने टेक्निकल सोर्स यूज़ करके बच्ची को बरामद कर लिया। ये आपके कौम के लिए गुड न्यूज़ है। जी नाज़रीन, हम देखते हैं कि नेशनल न्यूज़ नंबर पर खबर चलने का बच्ची को खासकर बेटी को फौरी तौर पर दारुल उमान में गिरफ्तार किया।